नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बारिश को लेकर। राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव हो गया है। प्रदेश के पटना यानी प्रदेश की राजधानी पटना, गया, अरवल, नालंदा, नवादा आदि जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। इधर पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ जारी अपडेट के अनुसार दो दिनों में पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि मानसून बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में मानसून के कारण प्रदेश में तेज बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया में भारी बारिश होने के आसार हैं। रविवार को नालंदा के अलावा कई जिलों में भारी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, पूर्वी व पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद एवं अरवल जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। पिछले दिनों बिहार में आंधी, पानी और वज्रपात के कारण कई लोगों की जान चली गई। इस वज्रपात के कारण 17 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि पिछले दिनों यानी कि शनिवार को 11 लोगों की जान चली गई, जबकि रविवार को प्रदेश में 7 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि रविवार को बांका में 2, भागलपुर में 2, जबकि समस्तीपुर, मुंगेर और नालंदा में एक एक व्यक्ति की जान गई है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह भी कहा गया है कि बिहार के बांका, मोतिहारी और झारखंड में बंगाल के सटे इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक मानसून के कारण तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह कहा गया है कि पश्चिम विक्षोभ और अरब सागर से दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में 20 जून को झमाझम बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाके में बारिश होने का पूरा अनुमान है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक के तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। बिहार के उत्तर पूर्व के जिलों में हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर है। गंगा, गंडक, बागमती समेत नेपाल से बिहार में आने वाली कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसको लेकर प्रदेश का जल संसाधन विभाग सतर्क है। बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग लगातार इसको लेकर सतर्कता बरते हुए है और संबंधित विभाग को बाढ़ से बचाव को लेकर अलर्ट पे जारी किया गया है और संबंधित अधिकारियों को इन पूरे इलाके में चौकसी बरतने को कहा गया है। इन इलाकों में जो है देखभाल करने की बात कही गई है। नेपाल से खास करके जो नदियां बिहार में आती है और उत्तर पूर्व की जो नदियां हैं, कमला, बलान, इन नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 13 जून को बिहार में मानसून सक्रिय हुआ था, उसी दौरान से नेपाल में भी बारिश हो रही थी और उत्तर पूर्वी बिहार में जो बारिश हो रही थी, इन दोनों बारिश के कारण उत्तर पूर्व की नदियाँ जो है लगातार उफान पर है, उनके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही वो कारण है कि गंगा में भी जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।